उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण उडा की 19वीं बैठक में प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट, राज्य स्तर पर आवास मांग सर्वेक्षण, श्रीनगर के समीप बेलकेदार व बेलकंडी मार्ग के साथ लगे क्षेत्र में नई टाउनशिप विकसित करने और प्राधिकरण में स्वास्थ्य योजना लागू करने संबंधी विषयों पर विचार हुआ। श्री अग्रवाल ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में नई टाउनशिप विकसित करने के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। राज्य स्तर पर आवास मांग सर्वेक्षण विस्तृत रूप से कराने और आवासीय योजनाओं का निर्माण करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। उड़ा की बोर्ड बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद की 14वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। इसमें कई फैसले लिए गए। वैसे तो हम लोगों को ये लगभग 3 महीने में हम लोग करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो इस दौरान के बिंदु हमारे सामने आते हैं उन पर हम बातचीत करें। तो मैं इसमें एक अच्छी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम बार बार टाउनशिप की बात करते थे, तो आज हमने एक निर्णय लिया कि जो पौड़ी का सिमरगढ़ के पास है बेलकेदार, जहाँ को हम टाउनशिप डेवलप करने के लिए हमने किया है और उसमें हमने ड्रोन सर्वे ये सब कुछ हमने किया है। अब उसके बाद फिर हम कंसल्टेंट उसको हायर करेंगे, उसके बाद जो भी उसमें एक फाइंडिंग्स हमारे सामने है उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि जैसे गढ़वाल का हिस्सा हो गया और उसी प्रकार से कुमाऊं में भी एक स्थान को हम चयनित करें जहाँ पर ये सारे सर्वेक्षण और सब कुछ करने के बाद वहाँ भी उसको हम टाउनशिप के रूप में डेवलप करें। वहीं बैठक के दौरान शहरी विकास मंत्री ने राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत संचालित उकरौली सितारगंज, महुआखेड़ा गंज काशीपुर, उम्मेदपुर रामनगर और गंगापुर गौसाई काशीपुर योजना के लाभार्थियों को चाबी और कब्जा पत्र भी प्रदान किए। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्वीकृत थी, जिनपे हमारे यहाँ बहुत तेजी से इस दौरान काम हुआ है और मुझे खुशी है इस बात की कि आज राज्य स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पे हमने 4 जो हमारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों को आज हमने चाबी और परिपत्र दिया है, यानी कि अब वो उस आवास के मालिक हो गए हैं।